एक ग्लोरिया जींस था, यहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर ग्लोरिया जींस, जगह जगह वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पे वो आपने एक प्रपोजल की वीडियो वायरल हुई थी वाला डोर लॉक है, यहाँ पे हंसना मना शूट होता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ से क्या किया, वेलकम हो गया टू अनदर व्लॉग। सब देख रहे हैं एडियो यार, अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। मैं आया हूँ अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वो भी 3 साल बाद, 2021 में कैसी थी और 2024 में कैसी है, मेरे साथ रहिएगा। आज यहाँ पे थोड़ा रश कम है क्योंकि आज जुमे का दिन है। मेसी की बिल्डिंग और डबल ए के दरमियान मैं फिर रहा हूँ और जुमा भी यहीं पर अदा किया है मैंने। देखते हैं आज मैं आपको अपनी पूरी यूनिवर्सिटी पर आता हूँ। इस वक्त मैं फिर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सेंटर में। यूनिवर्सिटी का अगर ऊपर से आप देखें तो ये है रेक्टेंगुलर साइड पूरी, यानी आपके एक कॉर्नर बनता है, ये कॉर्नर है, एक उधर कॉर्नर है और उधर कॉर्नर है। इसको अगर आप ऊपर से देखें तो ये बनता है हाफ कट सैंडविच, हाफ में MBA वाले मतलब किए हैं डिपार्टमेंट और हाफ में है मेडिकल वाले जो है सेंटर है, मतलब ये मेन हब है इसकी। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी के दिल के अंदर, हार्ट के अंदर, मतलब ये सेंटर है यूनिवर्सिटी का। ये मतलब त्रिमल फ्लोर है, त्रिमल 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे बेसमेंट भी है। ये इसका मेन जो है ना हार्ट है, यानी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ से क्या किया, तो मैंने किए यहाँ से बैचलर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग, देन MPhil किया मैंने मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। भाई अब तो बड़ी बदल गई यूनिवर्सिटी भाई। भाई ये वो जगह है जहाँ पे वो आपने एक प्रपोजल की वीडियो वायरल हुई थी, वो इस जगह थी, ये इसके साथ ही ये जगह है, मतलब जो मैंने पहले आपको दिखाई। ये इनकी माल रोड है और यहाँ पे जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे यहाँ पे साइडों पे लोग बैठते हैं, यहाँ पे भी और उधर भी, और सेंटर में मोल्डिंग हो रही होती है। भाई अब मैं इनके हूँ मेन कैफेटेरिया के अंदर जो 3 फ्लोर पे बना हुआ है। ये बाहर सारा वो जो मोल्डिंग रैम मैंने आपको दिखाया ये वो वाला आ जाएगा, और जो पहले मैंने बिल्डिंग दिखाई थी जहाँ पे MBA और मेडिकल है वो वाला एरिया है, और ये वो जगह जहाँ पे प्रपोज हुआ था और वो भाई सलाम करे हाय MBA। 1999 में ये एक स्कूल था रेवन रोड के ऊपर, विद पैसेज ऑफ टाइम और 2004 में एक यूनिवर्सिटी में मुश्तमल हो गया। ये लोग यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन करने आते हैं, 35+ डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज में से एक है जो टॉप डबल रैंकिंग में ये रैंक होती है। यहाँ चेक करें कितनी ढेर शुमार चीज़ें होगी, भाई हाथ ला रहे हैं आप और ये रेगुलर अवेलेबल है सारी 64 चीज़ें अवेलेबल हैं। और इधर से कैफे से निकलेंगे सामने आपको मिलेगी फूड स्ट्रीट, ये सामने सारी फ्रूट स्ट्रीट है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर इनका अपनी ATM मशीन है और इनका अपना जनरल स्टोर है जहाँ से आप रेगुलर चीज़ें ले सकते हैं, सॉप और किराने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो भाई ये इनकी फूड स्ट्रीट है सारी, यहाँ से उधर से आप इधर आएंगे तो ये आपको फूड स्ट्रीट मिल जाएगी, ये सारी जो इर्द गिर्द है मेन स्ट्रीट कैफे है। ये ग्लोरिया जींस था, यहाँ की यूनिवर्सिटी के अंदर ग्लोरिया जींस, यार आप इजी ले रहे हैं इसको जो मेरी यूनिवर्सिटी को अपने मेन स्ट्रीट कैफे के नाम से इसको खोल लिया। बेबी सी हूँ मैं साउथ दिल्ली की, वीगन वाली डाइट आलमंड वाला की, मेरा मन जो करेगा ना मैं वही करूँगी, ऐसी छोटी मोटी गाड़ी में मैं नहीं बैठ। बार टाइप सा आ गया, यहाँ पर मील एंजॉय कर सकते हैं और साथ जो है नीचे आपको नीचे का भी दिखेगा, सारी यूनिवर्सिटी की बाहर से भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है बाहर। मजीद इधर यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, तभी इसको आउटडोर भी इंजॉय करते हैं, रूट ऑफ है उधर से भी, बैक साइड से भी आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखेगी। ये अगर EE का डिपार्टमेंट, MBA और जो मैंने आपको सह बताया था मेडिकल का, ये जो रेक्टेंगुलर बनता है वो आ गया। यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, ये वो कैफे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ग्राउंड है मेन, सारा ग्राउंड है इन मॉस्क आ गई। 20 कैफे हैं इसके अंदर और 45+ डिपार्टमेंट हैं, मैं खुद भी नहीं जानता इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पे एक्टिविटीज़ बेशुमार हैं सोसाइटीज़ की, अनगिनत सोसाइटीज़ हैं, और आए दिन सिंगर और मतलब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और हंसना मना यहाँ पे शूट होता है। प्रेम गली, ये उस तरह की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की प्रेम गली सारी। फिर मैं एक और कैफे में आ गया, उसका नाम है सब यूनिक कैफे, इसकी MBS चेक करें।
बहुत ही प्यारा कैफ़े है। अगर मैं कैफ़े सारे दिखाने में हूँ, कैफ़े मैं पूरे नहीं दिखा सकता क्योंकि इतने ज़्यादा कैफ़े खुल गए हैं, हर डिपार्टमेंट को उसके इर्द गिर्द अच्छे खासे कैफ़े मिल जाते हैं। कैफ़े के ऊपर एक और भी कैफ़े है, कंपटीशन इतना टफ है यहाँ पे कैफ़ों का। हाँ भाई, अब आ गए कैफ़े अपस्टेयर। नीचे वाले का नाम था सब यूनी और इसका नाम है अपस्टेयर कैफ़े। यानी आप इसे कह सकते हैं कि नीचे मैं गया था तो बर्फ़बारी हो रही थी, ऊपर गया तो स्नोफॉलिंग हो रही थी। यार आप एक दिन की कितनी सेल निकाल लेते हैं इस कैफ़े के जरिए? हाँ, एवरेज क्या आ रही है? एवरेज 30-35-40 लाख के। 1000 और इसका क्या आप रेंट दे रहे हैं? जी कितना? 2.5 लाख भाई, इतनी सी जगह ये 2.5 लाख किराया दे रहे हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको एटीएम मिलेगी, हर जगह जगह एटीएम्स के लगे हुए, यानी कैफ़े अपस्टेयर डाउनस्टेयर भी है, इसके सामने एटीएम है। भाई अब तक आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम इस यूनिवर्सिटी में एक दो एडमिशन ले ही लें। आगे आप यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, ये अपने आप में एक अजूबा है। ये अजूबा क्यों मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ग्राउंड मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये पहले एक प्लेन ग्राउंड था, जैसे सड़क के साथ आम प्ले ग्राउंड होते हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, एक बिल्डिंग बनाई, उसकी बेसमेंट रखी, फर्स्ट फ्लोर रखा, उसको नाम दिया पार्किंग का, अंडरग्राउंड पार्किंग और फर्स्ट फ्लोर पार्किंग। की जो छत थी वो तो इन्होंने प्लेग्राउंड बना दिया। ये सीटिंग प्लान आ गया इनका और ये सामने ग्राउंड है, ये सारा फुटबॉल का ग्राउंड है। ये जब यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के होते हैं ना, उनके आपस में मैचेस होते हैं, एक यहाँ पे कहता है मैं तो हूँ डीजे, बैठा था सेटअप लगा के डिस्को वाला, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ पे होते हैं डिपार्टमेंट्स की गेम्स और यहाँ पे क्राउड आया था, जैसे फर्स्ट क्लास सिविल इंजीनियरिंग और डबल ई का मैच है, उसकी पूरा डिपार्टमेंट खड़ा होगा, सारे सेमेस्टर के लड़के लड़कियाँ, ये फुल यहाँ पे एक्स्ट्रा माहौल होता है। और क्लास है ना ये वाली और ये वाली, ये सारी आर्टिफिशियल है। चेक करें यार, ये लाइट, ये डार्क ग्रीन और ये लाइट, ये डार्क ग्रीन, ये सारी आर्टिफिशियल ग्रास है। मैं दूसरी मंजिल की छत पे हूँ और यहाँ पे स्पोर्ट्स चल रही हैं और ये रेगुलर्स की जो है ज़मीन है। इसी यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं है कि जहाँ पे छत के ऊपर स्पोर्ट्स चल रही हों। प्लेग्राउंड तो हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मुज़ाकरा, हंसना मना जहाँ पे शूट होता है। हो सकता है ताबिश भाई से मुलाकात भी हो जाए। भाई ताबिश भाई हमें बुला लें, हंसना मना पे बुला लें, क्या रहे हो माधवी, चलें। ये जो बिल्डिंग है पीछे, ये है सीएस डिपार्टमेंट की अलॉटेड, लेकिन इसमें मैंने मेरी जो एमफिल की क्लासेस हैं वो इसमें होती थी। इसका साइड व्यू आ गया, ये दो पार्किंग लॉट आ गई और ऊपर जो है स्पोर्ट्स चल रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर X2 कैफ़े भी है। यूनिवर्सिटी है कि MM आलम रोड है, कैफे पे कैसे यार। भाई नीचे आया था, ये वाला डोर लॉक है, यहाँ पे हंसना मना शूट होता है और मुज़ाकरा भी यहाँ पे शूट होता है। इसके साथ भी कैफे है, यहाँ पे क्रिविटी और शूटिंग एरियाज ही हैं मोस्टली यहाँ पे बने हुए। जगह जगह वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, पैसे डालें यहाँ पे, कोई चीज़ करेंगे बेसिकली वो जो है नीचे से आ जाती है। ये भाई इनका वजू खाना है और ये सारी मस्जिद है। ये भाई बेसमेंट बनी हुई है। तो भाई ये थी मेरी यूनिवर्सिटी, और अगर ब्लॉग पसंद आया तो मस्ट लाइक, मस्ट सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम में फॉलो मस्ट है, हमारे दो डेडी के नाम से। इस तरह की वीडियो मैं हर हफ्ते बनाता रहता हूँ। ओके जी।